सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। बिग बॉस हाउस में अक्सर लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन इस दौरान रोमिल चौधरी दीपक ठाकुर पर अपना हाथ साफ करते हुए नजर आए। दरअसल हुआ कुछ यूं कि शिवाशीष मिश्रा, दीपक ठाकुर और रोमिल चौधरी घर के सदस्यों को रैंप वॉक करके दिखा रहे थे, तो इस दौरान मस्ती में रोमिल चौधरी दीपक से कहते हैं कि तू हाथ के बल रैंप वॉक करके दिखा, तो वो उनके पैर पकड़ के उन्हें ऊपर कर देते हैं और उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं तो चल तुझे बैक मसाज देता हूं। और वो दीपक ठाकुर की पीठ पर खड़े हो जाते हैं और उसे जोर जोर से दबाने लगते हैं। बेचारे दीपक ठाकुर इससे काफी परेशान हो जाते हैं, उन्हें थोड़ा दर्द होने लगता है। फाइनली जब वो काफी परेशान हो जाते हैं तो उनका पैर हटाते हैं और पास में पड़ी चप्पल रोमिल चौधरी पर फेंक देते हैं। और इस घटना को देखने पर ऐसा ही लगता है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, क्योंकि उस टाइम पर रोमिल दीपक के ऊपर चढ़े हुए थे और पैर से उन्हें चटनी की तरह मसलते जा रहे थे। बिग बॉस 12 से जुड़ी ऐसी ही कॉन्ट्रोवर्सीज, लड़ाई झगड़े, हंसी मजाक, मौज मस्ती और बिग बॉस हाउस से जुड़ी और भी कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, क्योंकि आपको बिग बॉस 12 से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले यही मिलेगी। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।